अपोलो कौन सा खेल दिखा रहे हो?
हिंदुस्तान और यहाँ के संगीत से मुझे कितना लगाव है। हम स्वामी हरिदास का संगीत सुनने के लिए कोई भी लिबास पहन सकते हैं। सुबह पहुंचने का इंतजाम अभी कर दो जैसे आ गया। तो बच्चों, जो अकबर थे वो नौकर की यानी गुलाम की वेशभूषा में हरिदास के वहां पर जाते हैं। स्वामी हरिदास, तांजन गुरु तुम कब आए? तांजन गुरुदेव, अभी अभी आया हूँ, आपके दर्शन की इच्छा खींच लाई। स्वामी पुंडर परिवार में सबसे कुशल है? जी गुरुदेव। ये पीछे आसन पर कौन बैठा है? गुरुदेव मेरे साथ है। तुम्हारी हरिदास, तुम्हारी गायकी की प्रशंसा आश्रम में बैठा ही सुनता रहता हूँ, बहुत प्रसन्नता होती है। तुमने कई नई राग रागों की रचना की है तांजन। स्वामी जी, ये सब आपकी कृपा है, इसमें मेरी विशेषता कम और आपकी शिक्षा का प्रभाव ज्यादा है। स्वामी हरिदास, तांजन तुम गुरु भक्ति में बह जाते हो, आपकी रचना में मेरा प्रभाव बताते हो। तांजन, नहीं गुरुदेव, मैं सच कहता हूँ, मैं तनिक भी भावुक नहीं हूँ, रचना या कृति तो आपकी ही है, मैंने उन्हें नई बंदिशें दी है, स्वरों की आपकी छाया में ही नया रूप दिया है। स्वामी हरिदास, चलो विवाद नहीं करते, अल्लादीन तानसेन को तानपुरा दो, आज इनकी नई बंदिशें सुनेंगे, राजमहल का गायक आश्रम में भी अपने स्वरों का नया रंग जमाएगा, प्रभु चरणों में संगीत का अलौकिक आनंद छाएगा। स्वामी हरिदास, अब क्या होता है बच्चों, जो तानसेन है ना वो गलत गलत गाना शुरू कर देता है। अब आप सोचो, आपको वो टीचर है, अगर टीचर के सामने कोई बच्चा गलत बोलेगा तो टीचर से डांटेगा ना, चुप रहो गलत बता रहे हो, सही ये होगा। तो वही हुआ, जब तानसेन ने गलत गाया तो हरिदास जी ने उनको चुप करा दिया और स्वयं गाने लग गए। बंद करो तानसेन, यही तुम्हारी बंदिश है, गलत स्वर लगाते हो, तन लाओ तानपुरा। तानसेन ऐसे गाया जाता है ये राग, समझे तानसेन? जी गुरुदेव। तानसेन, अच्छा तानसेन अपने सम्राट को सेवक बनाकर लाए हो, खूब नाटक किया। हरिदास है वो पहचान गए थे कि सम्राट ही सेवक के रूप में आया है। तानसेन, जी गुरुदेव आपने कैसे पहचाना? हरिदास, तुम्हारी आंखों के संकेतों से, तुम्हारे संकेत सेवक के से लग रहे हैं और तुम्हारे सेवक के संकेत सम्राट के जैसे, मतलब आंखों के इशारों से उन्होंने पहचान लिया कि वो सम्राट है। अकबर, माफ करे स्वामी जी, आपका संगीत सुनने का मौका किसी और तरीके से मिलना असंभव था, आपका संगीत आपका ही संगीत है। हरिदास, सम्राट अच्छा है आप संगीत का सम्मान करते हैं। अकबर, स्वामी जी हम हिंदुस्तान के सभी रीति रिवाजों कलाओं की इज्जत करते हैं, उन्हें ऊंचा दर्जा देते हैं, हमें नाज है, हम हिंदुस्तान पर इस पवित्र जमीन को सलाम करते हैं। स्वामी जी, मुल्क संगीत नृत्य और कला का भरपूर खजाना है, कौन सा मुल्क? अपना भारत देश। स्वामी हरिदास, वाह बहुत अच्छा करते हैं सम्राट, अल्लादीन मोहन से कहो सम्राट और तानसेन को मिश्री का प्रसाद लाकर दे, उन्हें आनंद से विदा करें, मैं थोड़ी देर बाद समाज के लिए आऊंगा। समाज क्या होता है? संगीत की शिक्षा, संगीत की शिक्षा को समाज बोला गया है, ठीक है? देखो छापरा, संगीत के विकास और उसका असर, उन्होंने संगीत को समाज से जोड़ दिया, इसलिए वे संगीत की शिक्षा को समाज कहते हैं। आगे समझ में? अकबर, सचमुच स्वामी हरिदास संगीत स्वामी है और उनका संगीत सुनकर बाग बाग हो गया। एक बात है तानसेन, तुम्हारा गायन भी कोई कम नहीं है, लेकिन स्वामी जी का गायन का तो जवाब ही नहीं है। झांपना स्वामी जी संगीत और मेरे गायन का क्या मुकाबला, वे तो संसार के स्वामी को जाने के लिए गाते हैं, संसार का स्वामी कौन? ईश्वर। तो स्वामी जी किसको खुश करने के लिए गाते हैं? ईश्वर को खुश करने के लिए गाते हैं। और हिंदुस्तान के